रहे मिस्टर बिहारी चैनल। दोस्तों आज का जो वीडियो है, इसका वीडियो आपको डीजीपे के रिलेटेड है कि आपको जो नया डीजीपे का वर्जन आया है 4.0, आप उसे किस प्रकार अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हैं और उसे आप यूज कैसे करेंगे, इस वीडियो में आपको फुल जानकारी मिलेगी। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हुए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ दोस्तों बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि हमारा जो वीडियो है आपको तक जल्द से जल्द पहुंचे। और दोस्तों इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बता देता हूं कि आपको किस प्रकार से अपना डीजीपे न्यू वर्जन इंस्टॉल करना है। दोस्तों आपका जो फर्स्ट वाला पहले वाला डीजीपे होगा उसे सेटिंग में जाके आपको अनइंस्टॉल कर देना है। यहाँ पे मैं इसे अनइंस्टॉल कर दे रहा हूँ, मेरा पहले वाला है, तो उसे मैं अनइंस्टॉल करने के बाद मैं दूसरा इसमें डाउनलोड करूंगा। उसके बाद दोस्तों जब अनइंस्टॉल हो जाए तो आपको एक सेकेंड टूल मतलब कि सर्च बॉक्स खोलना है और यहाँ जैसे दोस्तों गूगल खोलने के बाद आपको यहाँ पे लिखना है डीजीपी। अब दोस्तों जैसे ही यहाँ पे आप यहाँ पे डीजीपी लिखिएगा उसके बाद दोस्तों आपको एंटर पे क्लिक करना है। जैसे ही एंटर पे आप क्लिक कीजिएगा आपको ये बहुत सारा सर्च रिजल्ट आपको देगा। जैसे यहाँ पे बहुत सारा सर्च रिजल्ट मिला है तो हमको फर्स्ट वाला लिंक पे क्लिक करना है। लिंक पे क्लिक करने के बाद दोस्तों ये अपना डीजीपी के ओरिजिनल साइट पे आपको रिडायरेक्ट करेगा। जिसे आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पे मेरा खुल चुका है और यहाँ पे आपको बोल रहा है कि आप डीजीपे का एप्लीकेशन वर्जन 4.0 डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पे आपको जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपको एक फाइल आपको ये डाउनलोड कर देगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा डीजीपी डाउनलोड हो गया है, तो मैं इसे ओपन कर लूंगा और ओपन करने के बाद इसका मैं डीजीपी इंस्टॉल करूंगा। जैसे देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे आ चुका है। मैं इसे डेस्कटॉप पे एक इसका फोल्डर बना लेता हूँ। डेस्कटॉप पे इसका एक फोल्डर बना लिया, मैं डेस्कटॉप पे चलता हूँ। पहले दोस्तों पहले वाला डीजीपी जो था अनइंस्टॉल नहीं हुआ था, इसलिए मैं अनइंस्टॉल कर दिया। तो फिर दोस्तों जो आपका सेटअप होगा आपको सेटअप पे क्लिक करना है। दो बार आपका सेटअप रन होगा, रन होने के बाद आपको इसे सक्सेसफुली इंस्टॉल कर लेना है। दोस्तों आपको याद रहे कि आपका पहले वाला डीजीपी आपका हट जाए, मतलब कि आप उसे अनइंस्टॉल कर ले तो ही इसको इंस्टॉल करें। तो यहाँ पे दोस्तों मैं इसे इंस्टॉल करके आगे मैं आपका उसका प्रोसेस मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों कि यहाँ पे मेरा सक्सेसफुली इंस्टॉल हो रहा है। इंस्टॉल होने के बाद आपको यहाँ पे फिनिश पे क्लिक करना है और आपका डीजीपे यहाँ पे इंस्टॉल हो गया। आपको कुछ नहीं करना है, इसे आपको एक बार रिफ्रेश करना है अपना सिस्टम को। रिफ्रेश करने के बाद अपना डीजीपे को ओपन करना है। जैसे ही अपना डीजीपे को ओपन कीजिएगा आपको एक अभी कुछ एरर दिखेगा। वो एरर क्यों दिखेगा मैं उसका भी आपको सॉल्यूशन बताऊंगा। तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे मेरा डीजीपे ओपन हो रहा है। आपको कुछ इस तरह का आपको एक आपको एरर मिलेगा। तो दोस्तों आपको इस एरर से डरना नहीं है, इसे ओके कर देना है और आपका जो भी माइक्रो का डिवाइस या फिर आपके पास मंत्रा का डिवाइस है, जो जो चीज का आपके पास डिवाइस है उसे आपके सिस्टम के साथ कनेक्ट कर लेना है।
और दोस्तों अगर आपका डिवाइस आपके सिस्टम में वर्क नहीं कर पाता है तो आप हमें कमेंट करके बताइए, आपको इसका एक सॉल्यूशन ब्यूटीफुल सॉल्यूशन वीडियो मिलेगा। तो यहाँ पे मैंने दोस्तों डिवाइस भी कनेक्ट कर लिया है। डिवाइस कनेक्ट करने के बाद दोस्तों फिर से मैं अपना डीजीपे को ओपन करता हूँ। तो वीडियो दोस्तों लंबा हो गई है, उसके लिए दिक्कत नहीं, आपको मैं फुल प्रोसेस इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ। अगर दोस्तों आपका डिवाइस सही से कनेक्ट होगा तो आपका डीजीपे ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरा डीजीपे ओपन हो गया है। तो आपको यहाँ पे अपना CSCID और यहाँ पे आपको टिक करके अपना बायोमेट्रिक देना है। तो यहाँ पे मैं अपना CSCID एंटर कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं जैसे ही क्लिक करूंगा और यहाँ पे मैं प्रोसेस पे क्लिक करता हूँ, देख सकते हैं यहाँ पे प्लीज वेट लिखा हुआ है, रिक्वेस्ट योर रिक्वेस्ट अंडर प्रोसेस। यहाँ पे दोस्तों अभी आपके फोन में एक OTP आएगा, OTP आप एंटर करके इसे वेरीफाई करना है। यहाँ पे दोस्तों OTP आने देते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो सेंड रजिस्टर्ड फोन नंबर पे OTP मतलब इसका कहने का मतलब है चला गया। तो आपको यहाँ पे वन टाइम का जो OTP आपके फोन में आया होगा, वन टाइम पासवर्ड, वो आपको यहाँ पे एंटर करना है। जैसे मेरे फोन में आ चुका है तो यहाँ पे मैं एंटर कर रहा हूँ और नीचे में आपको यहाँ पे वेरीफाई करने का बटन भी दिया गया है, आप देख सकते हैं। जैसे ही वेरीफाई OTP पे क्लिक कीजिएगा तो फिर आपका ये रिक्वेस्ट अंडर प्रोसेस जाएगा, प्लीज वेट। आपको फिर यहाँ पे आपको प्लीज जैसे ही मतलब कि हो जाएगा, आपका वीएलई इंफॉर्मेशन लेगा कि आपका वीएलई का क्या इंफॉर्मेशन है, अवेलेबल है या नहीं है। तो आपको यहाँ पे मैं इसे लेने देता हूँ। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका वीएलई का डिटेल दिख रहा है, जैसे यहाँ पे वीएलई डिटेल, वीएलई का मोबाइल नंबर, वीएलई का लोकेशन क्या है। तो आपको यहाँ पे उसका वीएलई का आपको यहाँ पे कैप्चर देना होगा। कैप्चर देने के बाद सक्सेसफुली आप वो लॉग इन कर सकता है। यहाँ पे मैं अपना कैप्चर दे देता हूँ और उसके बाद मैं आपको आगे का प्रोसेस मैं दिखा रहा हूँ। फिंगर डालने के बाद दोस्तों आपका ये अंडर प्रोसेस चल जाएगा और यहाँ पे आपका जो फिंगर का डाटा बेस है उससे आपका फिंगर मैच करेगा। अगर आपका दोस्तों फिंगर मैच हो जाएगा तो ये सक्सेसफुली अभी लॉग इन हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरा कि हो गया है और यहाँ पे मुझे एप्लीकेशन रीस्टार्ट करने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पे मैं ओके पे क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे मैं फिर से डीजीपे पे क्लिक करूंगा। और यहाँ से फिर से आपको अपना मतलब की CSCID डालना होगा। डालने के बाद आपको यहाँ पे टिक लगा के आपको फिर से अपना कैप्चर को वेरीफाई करना होगा। तो यहाँ पे मैं अपना कैप्चर वेरीफाई कर लेता हूँ। कैप्चर वेरीफाई करने के बाद आपका मतलब कि जो भी आपका डैशबोर्ड है वो अब ओपन हो जाएगा, मतलब आप सक्सेसफुली डीजीपे में आप लॉग इन कर गए। तो यहाँ पे मैं अंडर प्रोसेस में भी आप है देख सकते हैं और यहाँ पे अंडर प्रोसेस होने देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एक OTP हमारे फोन में आया है, लास्ट टाइम ये OTP है। आपको क्लोज करके आपको यहाँ पे OTP एंटर कर देना है और सक्सेसफुली आप इसमें लॉग इन हो जाइएगा। OTP डालने के बाद यहाँ पे मैं वेरीफाई पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं फिर अंडर प्रोसेस चल गया और यहाँ पे OTP मेरा वेरीफाई हो गया। यहाँ पे मैं क्लोज कर देता हूँ और आपका यहाँ पे अब ओपन हो जाएगा अपना डीजी। यहाँ पे देख सकते हैं लोडिंग लिखा हुआ है और यहाँ पे प्लीज वेट, आपका जो डीजीपे का 4.0 वर्जन है वो आपके सामने अब आ जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि आपका यहाँ पे डैशबोर्ड ओपन हो चुका है और यहाँ पे आपका मतलब वॉलेट बैलेंस दिखा रहा है। आपको यहाँ पे विड्रॉल करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे विड्रॉल कर सकते हैं और यहाँ पे आप बैलेंस इंक्वायरी, पे आउट और यहाँ पे नया नया फीचर्स आया है मनी ट्रांसफर का। यहाँ पे आप पहले आप उसे जिसका भी आप मनी ट्रांसफर कीजिएगा उसको आपको ऐड करना होगा, उसका फिर आपको लिस्ट में जाके उसका अकाउंट नंबर डाल के ही ट्रांसफर होगा।
और यहाँ पे दोस्तों आपका है पासबुक। तो आप देख लिए होंगे दोस्तों कि आप किस तरह मतलब कि अपना DGP में लॉग इन करना है और किस तरह आपको इंस्टॉल करना है। तो अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ दोस्तों इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर दोस्तों अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।